बीच में 4-5 महीने 6 महीने करीब बंद कर दिया था, अब 2 दिन हो गए। यार ये तो हीरो मटेरियल ही कौन है बंदा, ये तो बहुत ही ज्यादा हीरो लग रहा है। सोनिया को है ना ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आइडियाज ये लेके जाएगी यहाँ। तो मैं अगर कुछ बना दिया, अगर चावल भी बनाए तो शाही राइस है वो। और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बहुत ही क्यूट सीन। मैं ऊपर थी, अपना थोड़ा काम कर रही थी, उठे ही थे वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन शोर रहे और राजीव जल्दी उठ गए थे। यशिका भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ उठी है, और ये तो जब हम उठे तो गार्डन में शोर रहे इतने अच्छे तरीके से बैठ के काम कर रहा है। क्या कर रहा मेरा बेटा, ये देखो। अच्छा आप खुद ही कर रहे हो ऐसे? ओ सारा बता दिया कि मम्मा मैं उठ के खुद ही कर रहा हूँ। करो घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 4-5 बजे उठ के अपने। ओ यार 4-5 बजे उठे थे आज? हाँ मैं और कोई नहीं, 4-5 बजे उठ के अपने खेतों में आ जाते हैं। सुबह सुबह हमने पानी दिया, खोदी कर दी। कोई नहीं, कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं, 7 बजे भी उठ लेते हैं। इट्स ओके, कभी कभी लेट भी उठना चाहिए। बहुत ही क्यूट लग रहा था जब हम उठे ऐसे ना बैठ के आराम से लगा हुआ है खोदी में पापा के साथ। फिर अभी यशिका ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें यशिका और पापा थोड़ी देर बैठ के अभी अपनी योगा कर लेंगे। और उधर अभी आप अगर देख रहे हो उस तरफ, वहाँ पे अभी भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला सामान। हाँ जी दिखाओ, अभी गैरेज का हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है, वो आए ही नहीं है 3 वीक से। वेल डन। और अभी तीनों जने ऊपर की तरफ प्लेन देख रहे थे, चाहे कितने बड़े हो जाओ जब ऊपर से अगर कोई प्लेन जाता है तो जरूर देखो, प्लेन जरूर देखते हैं। कैन यू सी? या आई कैन सी इट। श्योरली आप जो नेक्स्ट प्लेन ढूंढेगा ना वो विनर है। विनर कौन है जो नेक्स्ट प्लेन ढूंढेगा? बच्चों के साथ ना इस तरह भी आपको सुबह कर लो, जब भी आपको टाइम मिले इस तरह क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, कि जहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे। देखो ऐसे लेट के ऊपर प्लेन देख रहे हैं। और अब शौरी अपना पूरा सुबह वाला प्यार दीदी के साथ। चलो नेक्स्ट वन आई स्पॉट, मुझे पता है कहाँ से आ गई। जाओ 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 जाओ, बहुत बोलना होता है तुम्हें। और अभी शौरी योगा करके दिखा रहा है। वेरी गुड, मोर शौरी, मोर मोर। अच्छा बैठने की जगह बना रहा था क्या? और गार्डन से हम वापस आ चुके हैं बाहर अंदर, और ये यहाँ पे सोनिया ने कल रात को कुछ बनाया था उसको सूखने के लिए मतलब ड्राई हो जाए उसके बाद। क्या है ये देखते हैं, नीचे कमेंट करके कितने लोग बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली है इसकी रेसिपी। यार मैंने सोनिया को बोला नहीं, ध्यान नहीं रहा, नहीं तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते। ये बने हेल्दी वाले बिल्कुल। नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या है इसमें। छोटे सा डिटेल पास की लुक देता हूँ। और ये वापस गार्डन में लेके आ चुका हूँ, मौसम बहुत प्यारा हो गया अब। हाय देखना कितना सही मौसम और का है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा अभी थोड़े पत्ते वत्ते काटने वाला हूँ इनके, क्योंकि ग्रोथ हो जाती है ना काफ़ी। है शौरी काटेगा ना? शौरी भी हेल्प करेगा मेरी। अभी हम करेंगे इसकी कटाई थोड़ी सी, कटाई छटाई। कोर्डर्स दिख रही है आपको? दिख रही हैं वो कितनी सारी आ रही है, ठीक है ना। ऐसी टमाटर दिखाऊंगे आपको, लाल टमाटर हो चुके हैं अब लाल। हम तो सब्जी में डेली यूज भी करते हैं इनको, चटनी में सब्जी में। ये रे। और ये वीकेंड का वार सांगवान फैमिली के साथ। ओए ये ड्रामे बंद कर दे तू, ये नई चीज सीखा है चिल्लाना। ये अभी नर्सरी से मतलब बीच में पहले करता था, छोटा था तब करता था। हाँ। बीच में अब 4-5 महीने 6 महीने करीब बंद कर दिया था, अब 2 दिन हो गए। अब तो पूरा ना ऐसे जोर लगा के ऐसे हाथ पीछे करके सॉरी कैसे करता है तू वो हाथ पीछे करके? नहीं अब बिजी हो गया। तो भाई हमारा अभी ब्रंच बनने में लगा हुआ है। ब्रंच क्या होता है, लंच और ब्रेकफास्ट को दोनों को मिला के। तो ये यहाँ पे मिक्स बनाया हुआ है सोनिया ने। क्या है सोनिया बताना यार, मैं ये बताता हूँ। पनीर है, ज्यादा पनीर है, प्याज है और थोड़ा सा गार्लिक है। ओके तो पनीर के वो बन रहे हैं पराठे। पनीर पराठे, मैंने सोचा क्या बनाऊ, मतलब चीला बना दू, फिर ये था कि वीकडेज और वीकेंड में कुछ डिफरेंस रहना चाहिए। तो आज मैंने ट्रीट दिया है यशिका और राजीव को कि पराठे खाओ। चलो ओके तो यहाँ पराठे
और होममेड हमारा योगर्ट, जिसने अभी तक नहीं देखी है, जिसको नहीं पता है कैसे बनता है, तो हमने पिछली वीडियो से बताया हुआ है। ओए बिहेव। देखो चिल्लाना। अभी मैं गया था साइकिलिंग करने और साइकिलिंग करके आया हूँ मैं वापस, मैं और ऋषिका दोनों गए थे। अच्छा मज़ा आया, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। ये हमारे पड़ोसियों की बिल्ली बैठी है। भाई तू तो बड़ी डरावनी से लग रही है, भाग गई तो वापस, डर गई। ये अपना बैग ध्यान रख रहा है, अपने बैग में दूध रखवा रहा है। और सोनिया रेडी हो चुकी है, शोर हमारा सबसे पहले रेडी हुआ, ऋषिका रेडी हो चुकी है, मैं भी हो गया हूँ। अब हम जा रहे हैं कहीं पर, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे। थोड़ा दूर है यहाँ से, आज हमारा जो जर्नी है थोड़ी सी 70-80 माइल है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, हमें किसी ने काइंडली इनवाइट किया है, तो चलो चलते हैं। मैं आप लोगों को पता ही है क्या करने आया हूँ, मैं अब चेक करने आया हूँ डोर वगैरह। लास्ट जाने से पहले मेरी जिम्मेवारी होती है कि सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद है या नहीं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी बंद है या नहीं। गाड़ी में सब बैठ चुके हैं, शौर्य अपनी कार सीट पे बैठ चुका है, दोनों बहन भाई है ना अपना चीज लेके आई है सामान, दूध अपना मतलब सामान दिखा रहे हैं कि भाई हम ये लिया है खाने पीने का, अब मस्ती करने वाले हैं हम पूरी। और अब ये गाड़ी फाइनली चल चुकी है, ऑन करने से पहले है ना मैं ये बोल रहा था, एक मिनट गाइस, कैमरे को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। हाँ कैमरे को ठीक कर लिया है, क्योंकि पता है क्या है, उसपे थोड़ी मिट्टी सी लगी थी, तो मैं इसको कह रहा था, मैं कैमरे में देख रहा हूँ यार ये तो हीरो मटेरियल ही कौन है बंदा, ये तो बहुत ही ज्यादा हीरो लग रहा है, भगवान ने तराश के फुर्सत से एक एक पल में बनाया होगा, ऐसे आराम आराम से बनाया होगा। हाँ हाँ इस बंदे को नीचे धरती भेज रहे हैं ये। तो आज की हमारी ड्राइवर है सोनिया सांगवान, जो गाड़ी को ड्राइव कर रही है और सीधा सीधा डेस्टिनेशन पे ले जा रही है। 56 माइल एक ही रोड पे जाना है, एक ही, ये तो अच्छा है ना 80 किलोमीटर। और यहाँ ऋषिका बैठी है, ऋषिका थोड़ी सी गुस्से में, शोर रहे। और ऋषिका तुम्हारी लड़ाई होगी, दोनों की बहन भाई होगी, हो गई इनकी लड़ाई हो गई भाई पीछे, शोर लेकिन शोर जब से शांत है। शोर सॉरी बोल दो दीदी को, सॉरी देखा इसको पता है इसकी गलती है इसलिए तुरंत सॉरी बोल देता है। इसने क्या किया, इसने कुछ ऋषिका की चीज फेंक दी, तो ऋषिका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ना हर बार ऐसे करता है, गलती हो गया थोड़ी पता था, उसने वो बस ये खिड़की खोल दी, मैंने लॉक नहीं की थी, तो विंडो उसने नीचे कर दी, तो जो सन होता है सनशेड बोलते हैं ना उसको, हाँ। सनशेड उड़ गया। हाँ तो चलो गाइस, आई होप आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखोगे। अगर हमारी वीडियोस को एंड तक देखते हो ना तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब में पैसे वैसे लगते हैं क्या, 1-2 हजार रुपए लगते हैं। अच्छा सब्सक्राइब यार वैसे हमने फ्री करवा रखा है, टाइम लगता है, टाइम सबसे कीमती होता है, तो आप सबसे कीमती चीज मांग रहे हो। हाँ सॉरी मतलब पैसे लगते हैं यार, लेकिन अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। और बाकी अब मैं बोलता कम हूँ, आपको रोड के व्यू दिखाता हूँ। सुनिए बाल ही काबू में नहीं आ रहे, कटवाने पड़ेंगे यार, बकवास करने की जरूरत नहीं है ठीक है। मैं मेरे को बाल कटवा इसलिए ना, मेरे को अच्छे लगते हैं बड़े बाल, हफ्ते में एक दिन ऐसे रेजर काटो, वो तो जब उठ जाएंगे जब मारने पड़ेंगे। हाँ गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी दो बंदियां दिख रही है, एक वो पीछे बैठी है, एक ये इधर कहाँ है, अरे उंगली कहाँ जा रही है, हाँ एक ये इधर बैठी है एक उधर बैठी है, ये दोनों सुपर ऑर्गेनाइज्ड बंदे हैं, उसकी एक एग्जांपल जीता जाता है, एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को यहीं। लेकिन कई लोग पता है आप कमेंट क्या करेंगे, भैया इसमें क्या है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ये तो डब्बे में डाल के लेके लेकिन ये देखो ना, आम काट के यहाँ पे संतरे छील के, क्योंकि शोर्रे को खाना है तो शोर्रे को ये थोड़ी ना यहाँ संतरे छील रहे हैं, यहाँ आम थोड़ी ना कट सकता है ये करके, और बिस्कुट और ये, और उसके साथ साथ अब जैसे सोनिया को मैं ऐसे, ये कौन से लव वाले बिस्कुट है, तो लिटिल हार्ट्स ले, हार्ट ले ले मेरा, तू चाह रही है मैं मुंह में ही खिलाऊंगा पूरा, ओके। तो ऐसे भाई हम रास्ते में एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे। फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई थी आपको थोड़ी सी क्लिप, पता नहीं कैसी लगी होगी आपको, लेकिन ये रोड है यूके के और ऊपर पुल जा रहा है, नीचे रोड है ये हाईवे है, कितनी लेन है, 1, 2, 3, 4 लेन है, एक लेफ्ट में हार्ट शोल्डर होता है। शोर है सो चुका है, वो खांसी करने में लगा हुआ है, मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है,
मजे आ रहे हैं हमें। और अभी जो आगे वो दिख रहा है आपको, वो जो लगा हुआ है वो यार ये, लेकिन इंडिया में भी ऐसे ही भाई, इंडिया के सब हाईवे है ना इससे बढ़िया। तो दैट्स इट, नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाईवेज। और ये हम पहुंच चुके हैं लंदन की गलियों में भाई। ये लंदन जो यहाँ पे सेंट्रल लंदन है, यहाँ से बस थोड़ी दूर है, 15-20 मिनट की ड्राइव है मुझे लग रहा है, इतनी होगी मुझे लग रहा है, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं है। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, इन भाई के रुपेश भाई के हैं। रुपेश भाई हेलो कर दो। हेलो। तो भाई ये दोनों भाई भी आईटी में है। अब आईटी में क्या कर, अब जावा में मैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक कोइंसिडेंस क्या हुआ, मैं बार्कलेज में काम करता हूँ, भाई हमारे नेटवर्क बैंक में और भाई हमारे एचएसबीसी में यहाँ पे। और इनका घर भाई, आपका घर बहुत अच्छा लगा। तो ये देख लो भाई, नहीं बच्चों के साथ, हाँ बच्चे हमारे कहाँ, बच्चे चले गए बच्चों के सारे, नहीं खेलने दो इनको, वो आ जाएंगे कब कर देंगे उनके साथ। हाँ जस्ट इंजॉय कर रहा है वो, शोर कर रहा है। और ये भाभी, भाभी हेलो, हेलो कैसे हो? हाँ, बढ़िया। तो मैंने वीडियो में ले लिया आपको, शाही फील नहीं कर रहे ना आप, तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो, बिल्कुल कोई इंट्रोवर्ट नहीं है सबको। नहीं नहीं अच्छा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। पता है आपके घर में सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, जो सोनिया को, सोनिया अभी भी इसकी नजर है इस पे, मनी प्लांट पे, सोनिया को है ना ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आइडियाज ये लेके जाएगी यहाँ पे, जो आपने चेप वेप चिपका रखी है ना ढंग से। नहीं किचन गार्डनिंग में है ना भाई साहब, हम बहुत बहुत करते हैं मतलब। और लॉकडाउन में शुरू किया था, लॉकडाउन के टाइम पे हमें लगा कि यार टाइम बच जाता है, ऑफिस में जाना नहीं होता, वर्क फ्रॉम होम है। सेंट्रल लंदन में मैसिव बड़ा ही घर है भाई, बहुत सही। वो ये बहुत सही बना रखा है आपने बाहर ये बैठने का, ये बहुत सही बना रखा है आपने। ये ऐसे ही मिला था। अच्छा अच्छा नहीं नहीं बनाया है उन्होंने, बस मुंह से निकल गया मजाक कर रहा। अरे नहीं आपकी तुलसी जी बड़ी अच्छे से चल रही है, इसका मुझे पूछना है। तुलसी जी के बीज लेके जाएंगे भाई हम, विंटर में भी चल जाती है क्योंकि ये थोड़ा सनलाइट की तरफ रखो। हाँ ये भाई साहब किससे सुना रहे अपने, बस हो गए पुराने किससे सुना रहे। तो भाई ये नई एंट्री, हेलो हाय, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, इज इट ओके विद यू? ओके हेलो हाय। और यहाँ आंटी जी आपसे मिले, हाँ कैसे आंटी? और अच्छा लग रहा है, दिल लग रहा है। अब मैं वापस कंटिन्यू कर दिया भाई, हेलो हाय। अब आपने उनका भी तो मोमेंटम तोड़ दिया। अच्छा हाँ मैंने वो मेरा भी टूटा था ना, नहीं आप किससे सुना रहे थे, मैं तो किससे नोट ले रहा था। भाई ये तो बहुत मस्त, भाई आपने बनाया क्या? भैया भाभी ने और आपने दोनों ने मिलके किया। अभी क्या क्या है? नहीं दोनों ने मिलके ये भाई यहाँ पे रायता, ये राजमा, ये शाही पनीर है क्या? शाही पनीर जैसे मेरे, हाँ क्योंकि घर में मैं जो भी चीज बनाता हूँ ना मैं उसको शाही बोलता हूँ। तो मैं अगर कुछ बना दिया, अगर चावल भी बनाए तो शाही राइस है वो। नाइस है भाई पूड़ी। अच्छा ये क्या है, चिली लवर्स के लिए? ये भाई अपना बिल्कुल एकदम घर पे बनाया क्या? बिल्कुल घर पे बनाया, हॉट एंड स्पाइसी। ये क्या है? अच्छा मसाला करके चिली के अंदर, तो ये आपकी रेसिपी है। ये भाई हमारे भाई कहाँ से, दादरी से है, जितने भी हैं यहाँ पे सारे दादरी से है ना अपन, ये मोस्टली जितने भी हैं यहाँ पे दादरी से हैं या फिर हिसार से हैं, तो हिसार की गैंग भी जुड़ी है, हिसार और दादरी की। तो अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ दादरी के और भी हमारे हमारे यूके में। सोनिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आपने लास्ट टाइम पूछा तो मैं बात नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है, हिसार की टीम बढ़ गई आपकी थोड़ी? नहीं दादरी की नहीं, आपने दादरी के तो तीन मेंबर बने, हम तीन चार और, लेकिन हिसार दादरी प्रेफर करते हैं। ओह माय गॉड, अब तेरे को भी दादरी का बोलना चाहिए अपने आप को। बस बस यहाँ पे हिसार दादरी की लड़ाई करने नहीं आया। खाना बहुत बढ़िया भाई, देख के ही बहुत, हाँ नहीं देख के ही मुझे अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। भाई बच्चों की मैंने ली नहीं, वैसे ले हुए या नहीं लू? बाय गाइस, बाय बाय, या इज इट ओके? या व्हाट्स योर नेम? या ओके, एंड व्हाट्स योर नेम? ओके, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ओके, व्हाट आर यू डूइंग? यू प्लेइंग गेम? ओके बाय, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। और अब ये वापसी में भी सोनिया के हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा दिया गया है, सोनिया हमें वापस घर की तरफ लेती के जाती हुई। तो पहुंचने वाले हैं क्या? कैसा लगा तेरे को ओवरऑल?
आज का दिन अच्छा, बहुत प्यारे लोग थे और मतलब होस्ट फैमिली बहुत अच्छी थी, उनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे सब, हम पहली बार मिले थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और बच्चे बड़े क्यूट क्यूट थे सब, हम आते हुए बात कर रहे थे कि सबने क्या क्या सीखा। यशिका ने अपना बताया, जैसे कि शी लर्न टू थिंग्स फ्रॉम दीदी, ड्राइंग वाली आर्ट एंड क्राफ्ट की उसने बताया कुछ कि वो हाँ। सीखा, जैसे मैंने सीखा एक बहुत अच्छी, आपस में बात कर रहे थे तो उनकी मदर भी आए हुए थे तो उनको लेके बता रहे थे कि उनकी मम्मी ने सिखाया जब वो छोटे थे कि मन में अगर कोई वहम हो जाए उस वहम को निकालो, उसको पूरा करो किसी तरह। कि जैसे रात को ऐसे डर लगता है ना, कुछ शर्ट वगैरह हिल रही है कि अरे भूत है ऐसे डर लगता है, कि उठो जाके चेक करो कि वहां पे क्या है, भूत होगा तो देखी जाएगी और अगर शर्ट है तो भी वहम क्लियर हो जाएगा। तो जब भी लाइफ में कोई वहम हो उसको उठो क्लियर करो, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी आज हमने, अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत टेस्टी था ना खाना, मस्त मजा आया, एक नंबर का खाना, बहुत अच्छा था। बच्चे आगे सो चुके हैं, यशिका सो गई है, शोर्रे सो चुका है, टेढ़ा सोया है, गर्मी इतनी है कि नैपे में सोया है। और ये बंदी हमारी, मैं इसको कह रहा था सो जा, लेकिन इसको ये बुक क्या है, क्वीन के ऊपर है क्या, पंजाब की क्वीन के ऊपर, पंजाब की क्वीन के ऊपर। अच्छा, ये बोली अच्छा, नहीं मेरे को ये बुक पढ़नी है, इसलिए वो लास्ट में स्टोरी का वो बनने लग जाता है ना, मजा आता है पढ़ने में कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लास्ट के कुछ पेजेस बचे हुए हैं। और ये लड़का उल्टा क्यों सोया है, मर्जी है इसकी, जहाँ सोएगा सोएगा, पूरा बेड वो खाली छोड़ दिया, वहाँ किसी को नहीं सोने देगा, खुद मम्मी के चिपक के सोएगा लेकिन वहाँ भी नहीं सोने देगा किसी को। अश्का नो नो, अश्का नो, अश्का बेड, अश्का बेड देयर। अच्छा अश्का को ये बोला कि अश्का तुम अपने बेड पे सो, नो अश्का नो नो बेड। तो मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस में, थोड़ा सा कुछ काम करना है मुझे, क्योंकि अभी पूरे दिन हम चले गए थे वहाँ पे, लेकिन बहुत मजा आया, मतलब इतना इन्जॉय किया ना हमने वो चरखी दादरी से, मतलब यहाँ पे है ना मुझे कोई भी नहीं मिला है जो चरखी दादरी से हो, तो वो मुझे मिले और वहाँ पे एक नहीं तीन या चार, तीन एक दो तीन, हाँ तीन जने थे जो चरखी दादरी से, एक दो और थे उनके जो फ्रेंड वो आए भी नहीं थे, तो मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे लोग थे, एंड मिलते रहेंगे अब हम उनसे। और ये कॉन्फिडेंस रहा कि चरखी दादरी से वो लड़के लड़कियाँ जो थी हिसार से थी, तो ये सोनिया को भी वही है कि भाई उसकी ग्रुप जो है हिसार का और बढ़ गया, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड फन, मतलब मज़ा आया। एंड काफ़ी लेट हो गए, अब थोड़ा सा जो मुझे करना है वो कर कर के फिर सोते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।